भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज अंबाती राय अड्डू आईपीएल के 11वें सीजन में फिलहाल अपने जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे हैं। अंबाती राय अड्डू ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए अब तक कुल 13 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2 अर्धशतक और 1 शतक के बदौलत लगभग 48 की औसत से 585 रन बनाए। 100 रन नाबाद उनका सर्वाधिक स्कोर रहा है। अंबाती राय अड्डू को उनके शानदार प्रदर्शन का फायदा भी मिला। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली आगामी वनडे श्रृंखला में अंबाती राय अड्डू को 15 सदस्यीय टीम में मौका दिया गया। अंबाती राय अड्डू के अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सुरेश रैना को भी इंग्लैंड के खिलाफ आगामी श्रृंखला में 15 सदस्यीय टीम में मौका दिया गया। सुरेश रैना ने टीम में चुने जाने के बाद काफी खुशी जाहिर की, जबकि अंबाती राय अड्डू को लेकर रैना ने इशारे इशारे में बीसीसीआई की आलोचना कर दी। सुरेश रैना ने दिल्ली में आयोजित खेल संबंधी उपकरण तैयार करने वाली एसिक्स कंपनी के एक समारोह में आईएनएस से बातचीत के दौरान वनडे टीम में डेब्यू अंबाती राय अड्डू के वापसी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सुरेश रैना ने बीसीसीआई के चयनकर्ताओं के प्रति मानना था कि टीम से उन्हीं क्रिकेटर्स को बाहर किया जाता है जो खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हों, लेकिन अंबाती राय अड्डू ने अपने आखिरी वनडे श्रृंखला में शतकीय पारी खेली थी, इसके बावजूद राय अड्डू को टीम से क्यों निकाला गया था। सुरेश रैना का मानना है कि शास्त्री की पर्थ प्रदर्शन वाली भारतीय टीम में क्रिकेटर्स के साथ राजनीति होती है, जबकि यह सभी बातें रैना ने खुलकर नहीं बोली। क्या आप सुरेश रैना के बयान से सहमत हैं? तो आप अपनी राय कमेंट जरूर करें।